आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें हम जिन जिन आउटलाइंस को पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बैकग्राउंड कि क्या सिनेरियो था सब कॉन्टिनेंट में जिसकी वजह से ये वार हुई, इसके इमीडिएट काज स्टडी करेंगे, आउटब्रेक ऑफ वॉर पढ़ेंगे कि कहाँ किस रीजन से ये वार स्टार्ट हुई और कैसे हुई, और व्हाट वाज द कंपनीज रिस्पॉन्स। उस टाइम ब्रिटिश क्राउन रूल नहीं कर रहा था सब कॉन्टिनेंट को, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी वो रूल कर रही थी, तो उसका क्या रिस्पॉन्स था इस वार को लेके, और फिर ये वार फेल हो गई तो इसके काजेज ऑफ फेलियर क्या थे। फेल किसके लिए हुई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये फेल हो गई, तो इसके काजेज ऑफ फेलियर क्या थे, और एट द एंड रिजल्ट्स क्या हुए, सब कॉन्टिनेंट में क्या चेंजिंग्स आई इसके बाद, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। साथ साथ हम हर टॉपिक को लेके जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस होगी, जो भी रेफरेंस होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अब इंट्रोडक्शन। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज अ मेजर अपराइजिंग इन इंडिया। ये इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक अपराइजिंग थी, मेजर अपराइजिंग। वैसे तो बहुत सी अपराइजिंग हुई लेकिन 1857 में ये एक मेजर अपराइजिंग थी अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसने ब्रिटिश क्राउन का रोल नहीं था बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसका रोल था। उसके अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम ने मिल के एक अपराइजिंग क्रिएट की। इट वॉज फर्स्ट अनसक्सेसफुल रेजिस्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये फर्स्ट अनसक्सेसफुल रेजिस्टेंस। अनसक्सेसफुल इसलिए कि ये वार फेल हो गई थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। द रिवोल्ट इज़ नोन बाय सेवरल नेम्स। इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, डिफरेंट हिस्टोरियंस इसको डिफरेंट नेम देते हैं। जो ज़्यादातर नेम यूज़ होते हैं वो हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन म्यूटनी, मिलिट्री अपराइजिंग और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड, क्या कंडीशन थी उस टाइम सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्या हो रहा था और कैसे ये वार जो है वो स्टार्ट हुई। बिफोर 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी। 1757 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर काम कर रही थी। बट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला और कुछ जो है सब कॉन्टिनेंट में मौजूद रूलर्स के दरमियान हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको शिकस्त दे दी, तो इसका पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज़ हो गया। जब पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हुआ तो ग्रेजुअली इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया में अपना कंट्रोल कर लिया। कॉमन मैन वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाई द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। जो आम आदमी है जैसे पीजेंट्स हो गए, जैसे ज़मींदार, कोई भी थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे, सब एडवर्सली अफेक्ट थे इनकी पॉलिसीज़ की वजह से। अब कौन सी पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से अफेक्ट हुए या कॉमन मैन, इसको हम काजेज में डिस्कस करेंगे। और फ्रॉम 1757 टू 1857 ऑल द सिविल रिबेलियंस एंड अपराइजिंग वर सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 से 1857 के जो 100 ईयर्स का टाइम था, इसमें जितनी भी रिबेलियंस हुई, जितनी भी अपराइजिंग्स हुई वो रीजन बेस्ड थी, तो आसानी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको सप्रेस कर लिया। बट इन 1857 एन अपराइजिंग अकर्ड एंड सिक्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मैसेस। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए इस अपराइजिंग में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम मिल गए, तो ये एक बहुत बड़ी अपराइजिंग बन गई। जैसे पहले ही बताया कि पहले भी अपराइजिंग्स हुई थी लेकिन वो अपराइजिंग्स रीजन बेस्ड थी, इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी। ये नहीं कि इसमें इंडिया की सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, नहीं, बल्कि बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे जहाँ पर बिल्कुल साइलेंस था, कोई इनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन काफ़ी हद तक पहली सारी अपराइजिंग से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुई इस अपराइजिंग में। अब हुई क्यों ये, इसके काजेज़ क्या थे, इमीडिएटली वैसे तो बहुत देर से ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन इमीडिएट काज जो बना हुआ वार का वो है कि EIC ने इशू की न्यू राइफल्स इंडियन आर्मी में। उन्होंने न्यू राइफल्स क्यों इशू की आर्मी के अंदर, जो पुरानी राइफल्स थी उनको लोड करने, गन पाउडर डालने और फिर उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसलिए EIC ने 1857 के स्टार्ट में ही एनफील्ड राइफल्स इशू की। कार्ट्रिजेस जो थे वो ग्रीस के बने हुए थे और लोकल इंडियन आर्मी में सोल्जर्स जो थे वो इन कार्ट्रिजेस से खुश नहीं थे। अब वो इन कार्ट्रिजेस से खुश नहीं क्यों नहीं थे, इसको देखने के लिए हमें कार्ट्रिजेस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। कार्ट्रिजेस जो थे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में थे,
ऊपर की सरफेस जो है वो रैपिंग पेपर की बनी हुई थी, और उस रैपिंग पेपर के अंदर गन पाउडर मौजूद था, और गन पाउडर के नीचे की जाने बुलेट लगी हुई होती थी। ये कार्ट्रिजेस की जो रैपिंग पेपर है, इसको रैप किया हुआ था ग्रीस के साथ, या ग्रीस जो है वो एनिमल फैट का बना हुआ था, ताकि इसको मॉइस्चर से बचाया जा सके। गन पाउडर को क्या करना होता था कि सोल्जर्स को इसको टियर करना पड़ता था ऊपर से रैपिंग पेपर को, यहाँ से इसको उन्होंने फोल्ड किया हुआ था गन पाउडर को सेफ करने के लिए। तो सोल्जर्स को इसको टियर करना पड़ता था और ओपन करना पड़ता था कार्ट्रिजेस को विद देयर टीथ एंड देन लोड द राइफल। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि रैपिंग पेपर जिस एनिमल फैट का बना हुआ था वो था लार्ड एंड टैलो। लार्ड रैपिंग पेपर जिस ग्रीस का बना हुआ था, जिस एनिमल फैट का बना हुआ था, वो था लार्ड एंड टैलो। लार्ड मीन पोर्क फैट एंड टैलो मीन्स बीफ फैट। एज यू नो, पोर्क इज फॉरबिडन इन इस्लाम एंड काओ इज सेक्रेट फॉर हिंदूज। तो यही रीजन बनी, इसी की वजह से डिफरेंट कंटोनमेंट्स में, मिलिट्री कंटोनमेंट्स में रिजेंटमेंट्स प्रोड्यूस हुई, मसले प्रोड्यूस हुए सोल्जर्स के दरमियान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स के दरमियान, लोकल सोल्जर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स के दरमियान। लॉर्ड कैनिंग जो इस टाइम के गवर्नर जनरल थे और बाद में सब कॉन्टिनेंट के ब्रिटिश क्राउन के अंडर फर्स्ट वॉइसराय भी बने, और हेनरी लॉरेंस जो सोल्जर थे उस टाइम, वर ऑफ द व्यू डैट कार्ट्रिजेस फॉर्म द रियल एंड प्रॉक्सिमेट काज ऑफ द वार, के कार्ट्रिजेस ही रियल और प्रॉक्सिमेट काज बने थे वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1850। आउटब्रेक ऑफ वॉर। सो इन अप्रैल 1857 सम सोल्जर्स एट मेरठ कंटोनमेंट रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिजेस। उन्होंने इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से इनकार कर दिया। उन सोल्जर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। बजाय इसके कि वो इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से टैकल करते, उन्होंने जेल में बंद कर दिया और उनको 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी। अब जो उन सोल्जर्स जिनको कैद कर दिया गया था, उनके फेलो सोल्जर्स थे, ब्रोक इनटू प्रिजन। उन्होंने प्रिजन को तोड़ दिया और अपने साथियों को फ्री करवा लिया। इसी फ्री करने के चक्कर में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी सारे सोल्जर्स का मर्डर कर दिया। मीरठ वॉज सैक्ड एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स वर पुट टू डेथ। मीरठ को बंद कर दिया गया मुकम्मल तौर पर और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया। सो ऑन मई 11 सोल्जर्स मार्च टूवर्ड्स डेली। सोल्जर्स मेरठ से मार्च करते हुए डेली आ गए एंड डिक्लेयर देयर सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपने लीडर के तौर पर चुना, जो पहले ही लास्ट मुगल एम्परर थे, जो लास्ट। वट वॉज द कंपनीज रिस्पॉन्स? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। बिगिनिंग तो सक्सेसफुल थी, बट इन नो टाइम कंपनी सक्सेसफुली पुट डाउन द रिबेलियन विद द हेल्प ऑफ सिख्स एंड अदर लॉयलिस्ट। उनके जो बाकी लॉयलिस्ट थे और सिख जो थे, उन्होंने ना मुस्लिम्स का साथ दिया और ना हिंदूज का साथ दिया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, और आसानी से इन्होंने इस रिबेलियन को पुट डाउन कर दिया। 1 जुलाई 8, 1858, 14 मंथ्स आफ्टर द ब्रेकअप, इस लड़ाई के शुरू होने के 14 मंथ के बाद, पीस वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द देन लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे और बाद में वाइसराय बने, उन्होंने पीस का ऐलान कर दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वार हिंदू मुस्लिम यूनिटी के खिलाफ जीत ली। अब हम देखेंगे कि ये फेल ही क्यों ही वार। फर्स्ट रीज़न है इसकी पुअर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदू मुस्लिम्स के बड़े लीडर्स ने ये मिलकर डिसाइड किया था कि जो वार है उसको हम मई में स्टार्ट करेंगे, मई के एंड पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन कार्ट्रिजेस के इंसिडेंट की वजह से ये वार टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गई। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी उसकी, कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं था कोई भी फिलहाल सेट हुआ, तो इसी वजह से जो है ये फेल हो गई। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स लाइक मेलिसन एंड विल्सन, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है डेट द वार हैड स्टार्टेड ऑन शेड्यूल, कि अगर वो अपने शेड्यूल पे स्टार्ट होती वार, द कंपनी वुड हैव फेल्ड टू ओवरकम इट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी इसको ओवरकम नहीं कर सकती थी। इकोनॉमिक कंडीशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इज द सेकेंड काज ऑफ फेलियर। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, आर्म्स थी और बहुत कुछ था टैकल करने के लिए, बट जो सब कॉन्टिनेंट के सोल्जर्स थे, लोकल सोल्जर्स थे, उनकी ना तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी और ना ही उनके पास आर्म्स अच्छे थे कि वो सही तरह से जंग लड़ सकते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स के साथ। थर्ड रीज़न था एब्सेंस ऑफ एक्टिव लीडरशिप।
जैसा कि आपको पहले बताया कि बहादुर शाह जफर को एज अ लीडर उन्होंने अपना चुना, लेकिन बहादुर शाह जफर उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे एंड ओल्ड हो चुके थे, तो कोई एक्टिव लीडरशिप नहीं थी। कहने को तो वो ही लीडर थे, लेकिन बाकी सब लोग अपना अपना अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी एक लीडरशिप नहीं थी उस टाइम लोगों के पास। लैक ऑफ यूनिटी, जैसे पीछे ही बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वार सिख और दूसरे लॉयलिस्ट फैक्शंस के जरिए जीती, तो यूनिटी ही नहीं थी वहाँ के लोगों के साथ दरमियान। हिंदू और मुस्लिम का ही यूनिटी हुई बस, और किसी भी जो है और किसी भी फैक्शन ने इनका साथ नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रसल, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इफ ऑल नेशंस हैड जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट अस, वी वुड हैव बीन कम्प्लीटली एनिहिलेटेड डिस्पाइट ऑल आर करेज एंड ब्रेवरी, कि हम हार जाते ये वार अगर सब नेशंस ने हमारे अगेंस्ट हैंड्स ज्वाइन किए होते तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन इज लैक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे कि यही है कि एक्टिव लीडरशिप नहीं थी, तो आगे फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं किया था कि अगर वार जीत जाएंगे तो क्या करेंगे और अगर हार जाएंगे तो क्या करेंगे। कोई पर्सपेक्टिव नहीं था किसी के पास भी, सब सिटीज अपने अपने हिसाब से इस वार को लड़ रहे थे, और यही रीजन बनी फेलियर का। लास्ट हैं रिजल्ट्स ऑफ द वार, क्या रिजल्ट हुए वार के। कंपनी का रोल ख़त्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल को सब कॉन्टिनेंट पर ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट रोल हो गया ब्रिटिश क्राउन को, दैट्स मीन कि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हो गए, गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय से रिप्लेस कर दिया गया। जैसे कि ये क्या MCQ भी है कि लॉर्ड कैनिंग पहले वार ऑफ इंडिपेंडेंस की ड्यूरेशन में गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद ये पहले वॉइस रॉय बने। गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय सेम टर्म्स हैं, लेकिन ये कि 1857 से पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था उसी सीट को, और उसके बाद उसको वॉइस रॉय कहने लगे। फाइन ऑफ लॉर्ड द नॉमिनल रोल ऑफ मुगल्स, मुगल्स का जो थोड़ा बहुत किरदार था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। बहादुर शाह जफर के बेटों का बुरी तरह से ब्रूटल मर्डर कर दिया गया ब्रिटिश की तरफ से, और मुगल्स का जो दौर है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। कि ये थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके जो मेजर काजेज हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एक्सेट्रा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।